हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल और आज हम बनाने वाले हैं चूरमे के लड्डू। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चूरमा के लड्डू बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो है एक कटोरी गेहूं का आटा, एक छोटी कटोरी शुगर पाउडर, आप इसे कम ज़्यादा ले सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट जो कट करके लिए है ये भी ऑप्शनल है, और इलायची पाउडर। सबसे पहले हम गेहूं के आटे को गूंद लेंगे, गेहूं का आटा, चुटकी भर नमक। अब हम इसे आवश्यकता अनुसार पानी ऐड करके एक आटे का डो बना लेंगे। अब आप देख सकते हैं आटे का डो बन के रेडी है। अब हम इसकी रोटियां बेल लेंगे और फिर उसको तल लेंगे। अब हमें आटे की छोटी छोटी पूरियां बना लेना है। पूरियां थोड़ी मोटी मोटी ही रखनी है, ऐसी सब पूरियां हमको रेडी कर लेनी है। सबसे पहले इस तरह मैंने सब पूरियां बेल ली है, अब हम उसे एक एक करके तल लेंगे। गैस पे एक कढ़ाई में मैंने तलने के लिए तेल लिया है, अब हम उसमें एक एक करके पूरियां तल लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने सब पूरियां तल ली है, अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। पहले इतनी पूरियां हम ग्राइंड कर लेंगे, बाद में बची हुई वो एक बार करेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने पूरियां अच्छे से ग्राइंड कर ली है, इस तरह आपको बची हुई पूरियां भी ग्राइंड कर लेनी है। अब आप देख सकते हैं सब पूरियां मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर ली है, अब हम एक एक करके इसमें बचे हुए इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे, ड्राई फ्रूट्स, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड किया तो भी चलेगा, इलायची पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। इस तरह हम लड्डू बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे मोदक के मोल्ड में डाल के मोदक का शेप भी दे सकते हैं। इसे अच्छे से उंगली से प्रेस करके आपको इसे मोल्ड में डालना है। अब आप देख सकते हैं ये मोदक के शेप में भी बन जाते हैं। तो आप चाहे तो मोदक के शेप में भी इसे बना सकते हैं, या फिर लड्डू के शेप में भी बना सकते हैं। अब ये चूरमा के मोदक और लड्डू रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ आपको मिलती रहे।